शनिवार की रात को करीब 9 बजे रियासी जिले की अरनास तहसील के सावलकोट इलाके में पहाड़ से हुए भूस्खलन से रेलवे टनल नंबर 13 का एक छोर क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे टनल के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा है यह टनल का P2 एंड पॉइंट है। भूस्खलन होने से रेलवे निर्माण कार्य में लगी कुछ मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है, इसके साथ ही कंटेनर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दुर्घटना में रेलवे निर्माण कार्य में लगे 5 कर्मचारियों को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंपनी की लापरवाही से टनल को नुकसान पहुंचा है। समय रहते प्रोटेक्शन वाल्व व अन्य कदम उठाए जाते तो टनल को नुकसान नहीं पहुँचता। स्थानीय लोगों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच करवाने की भी मांग उठाई है। टनल नंबर 13 का निर्माण करवा रही रेलवे निर्माण कंपनी BCCL के अधिकारियों ने कहा कि बीते दिनों हुई बारिशों के चलते भूस्खलन की आशंका जताई जा रही थी, जिसके चलते टनल नंबर 13 के P2 शोर पर टनल के अंदर कार्य को बंद करवा दिया गया था। अरियासी से अंजित और अरनास से विकास दुबे की रिपोर्ट। ये रहा हमारा जो मेन टनल है D13। इसकी बैठने की वजह से जो है ये इसके दो हिस्से हो गए हैं, एक टनल के दो टनल बन गए। बूमर मशीन है ये जो कंटेनर हैं, ये ऊपर वाला जो रोड है इसके साइड से नीचे आए हैं, जो उसका कॉर्नर है यहाँ पे बिठा रखे थे। ये दोनों कंटेनर हैं जो मशीन है।